हेलो फ्रेंड्स, पूजा की किचन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो बच्चों को पकोड़े खाना तो बहुत ही पसंद होता है। बच्चे हो या बड़े हो, उनको सभी को पसंद होता है ये खाना। तो क्यों ना हम आलू के पकोड़े बनाकर तैयार करें। बहुत ही टेस्टी से हमारे ये पकौड़े बनाकर हमने तैयार किए हैं। बनाने की अब तैयारी करते हैं। अब आलू ले लिए हैं, इसे हम छिल लेंगे, छिलका हटा लेंगे और बहुत ही टेस्टी से हमारे ये पकोड़े बनाकर हम तैयार करेंगे। आप इसे जब मर्जी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। समय भी नहीं लगता है इसे बनाने में हमें। इसी तरीके से हम सारे आलू को हमने छील लिया। ये मैंने एक कटर ले लिया है, ये ऑनलाइन भी आराम से मिल जाता है। आप बाज़ार में भी जाओगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। आलू की जो चौड़ी वाली साइड होती है हमें वहीं से कट करना है। थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि जो उसका ब्लेड है थोड़ा तेज होता है, तो थोड़ा हमारे को ध्यान से ही कट करना होगा। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। देखिए, और देखिए कितने बारीक बारीक से हमारे चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं आपको दूसरा आलू भी करके दिखाती हूँ। चौड़ी साइड से हमें कट करना है। अगर आपके पास ये कटर ना हो तो आप इसे चाकू की मदद से भी कट कर सकते हैं। मैं आपको चाकू से भी दिखाऊंगी किस तरीके से हमें कट करना है। ये देखिए, हमने पतले पतले चिप्स की तरह काटना है इसे। ज़्यादा मोटा काटेंगे तो हमारे जो पकोड़े हैं कच्चे रह जाएंगे अंदर से, इसलिए हमें थोड़े से बारीक बारीक ही काटना है। इस तरीके से हम सारे आलूओं को कटर से या चाकू की मदद से हम इसे कट कर लेंगे। हमने सारे आलूओं को अच्छी तरीके से कट कर लिया और इसे हमने दो तीन पानी में अच्छी तरीके से धो लिया था और इसका सार निकाल दिया है। अब इसे हमने 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे आलू। पकोड़े के बैटर की बनाने की तैयारी करेंगे। ये मैंने एक कप से ज़्यादा मैंने ये बेसन ले लिया है। बेसन को मैंने अच्छे पहले से ही छान लिया था। आप अपने हिसाब से भी बेसन की क्वांटिटी रख सकते हैं। ये मैंने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है, चिली फ्लेक्स ले लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया। थोड़ा सा हल्दी डाल दी है और उसमें जीरा भी डाल दिया है। ये मैंने 3 चुटकी करीब मैंने ये बेकिंग सोडा ले लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। अब इसका हम अच्छे से इसका घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही करके हमें पानी डालना है। एकदम से पानी डाल देंगे तो हमारा जो उसका बैटर है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा रुक रुक के ही पानी गिरना है। थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। इस तरीके से हमें इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। देखिए, इस तरीके से हमें इसको घोल बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाकर तैयार करना है इसका पकौड़ों का। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है हमारा इसका बैटर। ये देखिए, जितना भी इसे फेंटेंगे उतनी अच्छे तरीके से हमारे फूले फूले पकोड़े बनकर तैयार होएंगे और क्रिस्पी तैयार होएंगे। ये हमारा घोल बनकर हमारा तैयार हो चुका है। देखिए, ये मैंने गैस पे ऑयल गरम पहले से ही रख दिया था होने के लिए। अब इसमें हम एक एक करके आलू के स्लाइस डाल देंगे। थोड़ा सा ध्यान से ही डालना होगा क्योंकि हमारा जो ऑयल है बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी हमें गैस की जो फ्लेम है थोड़ी सी मीडियम ही रखनी होगी। एक एक करके हमें इसके आलू के चिप्स डालने होंगे। बहुत ही टेस्टी से हमारे ये आलू के पकोड़े बनाकर हमने तैयार करेंगे। इसे हमें अलटते पलटते थोड़ा सा इसको क्रिस्पी होने देना है। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है आलू के पकोड़ों को। इसी तरीके से हमारे बिल्कुल अच्छे से ये आलू के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम दूसरा बैच भी डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हमें तेज़ी रखना है क्योंकि हमने पहले मीडियम कर रखा था गैस की फ्लेम को। तेल हमारा जो ठंडा हो चुका था इसलिए हमें अब तेज करना है और इसे भी क्रिस्पी होने देना है। बारिश के मौसम में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं गरम गरम पकोड़े। मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद है, तो उसने कहा मम्मा आज पकोड़े बनाकर खिलाओ, बहुत ही मन कर रहा है खाने का। तो इस तरीके से मैंने सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं।
लीजिए हमारे गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर हमने तैयार कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया है। बारिश के मौसम में आप चाय के साथ ज़रूर लीजिएगा। इसे मैंने हरी मिर्ची के साथ भी सर्व किया है। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बने हमारे देखिए पकौड़े, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बहुत बनकर तैयार हुए। मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी हमारे ये पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।